वाह, अब ये हो गया है रेडी हमारा दोस्त पूरी तरीके से। अब इसमें स्विच को दिखा दीजिए कहाँ पर आपने रखा है। अच्छी ये हाथ में बटन, जैसे चालू करेंगे तो ये हो गया ऑन। जय जोहर दोस्तों, मैं प्रजा सी ट्विस्ट गाइड और सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ सोमू भाई, कक्षा 8वीं के छात्र हैं और 13 साल का है। और ये क्या बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं ये है धान काटने का मशीन बनाया है। कौन सा मशीन बोलते हैं इसको? पेडी कटर, धान काटने का मशीन। अच्छा, इसमें हम लोग मतलब इसका जो पावरफुल है बहुत ही ज्यादा और बहुत जल्दी फसल की कटाई कर देता है। आइए आज इसकी उपयोगिता को बताते हैं और ये छोटे से उम्र में इसको बनाया है, क्या क्या लगा है, कितना खर्चा आया है और कैसे ये काम करता है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश्वर कश्यप, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला राजेंद्र नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। मैं बिलासपुर जिला में रहता हूँ। मेरे मॉडल का नाम है पेंडी कटर, धान काटने का मशीन। धान के पके हुए फसल को काटने के लिए मजदूरी की समस्या को देखते हुए मुझे इस यंत्र को बनाने का विचार आया था। कितना खर्चा होगा इस मशीन को पूरा बनाने में? इस मशीन बनाने में 3,000 से 5,000 तक अंदर है, लेकिन यह मशीन बनाने में हमें 3,000 से 3,500 खर्चा आ चुका है। अच्छा, और जैसे बजट बड़ा बनाएंगे तो और पावरफुल बन सकते हैं मशीन? हाँ, पावरफुल बन सकता है, लेकिन अच्छा। इसमें थोड़ा मोटर भी, थोड़ा वोल्ट का लगेगा और अच्छा। ब्लेड लगेगा और थोड़ा बैटरी भी महंगा वाला पड़ेगा। अच्छा, जिससे 5,000 रुपए खर्चा आ सकता है। जैसे और ज्यादा क्षेत्र को मतलब कटाई कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा मोटर पावरफुल रहेगा तो खेत जल्दी भी, उसका जितना भी धार रहेगा वो जल्दी भी कट जाएगा। अच्छा अच्छा, ये दिमाग कहाँ से आया कि ऐसा काम करना चाहिए, बनाना चाहिए? तो जब हम लोग किसान को देखे और, अच्छा। और कई तरह से नुकसान हुए किसानों के पास और कई खेतों के अंदर गाड़ी, थ्रेसर, हार्वेस्टर ये सब नहीं घुस सकता, और तो इस मशीन को कम पैसे में बनाने का, लागत करने का उपाय आया। अच्छा अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि धान कटने का तो तैयार हो जाता है फसल, लेकिन खेत में क्या है, पानी रहता है, मिट्टी जो नमी रहता है, जिसकी वजह से हार्वेस्टर थ्रेसर जो है ये खेतों में नहीं घुस पाता। और उस परिस्थिति में हम इसको हाथों में लेकर चला सकते हैं। हाँ, और दो आदमी इसमें एक एकड़ को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा हाँ, और दोस्तों इस 13 साल के सोमू भाई ने ये काम किया है और हो सकता है, मुझे भी लगता है कि इसमें और ज़्यादा बजट बढ़ाया जाता तो और पावरफुल बनाया जा सकता है इसको। और आप क्या लगता है, आपको इस वीडियो को देखकर क्या कमेंट करना चाहते हैं इस भाई के लिए, बहुत जल्दी कमेंट कीजिए और हम सोमू भाई की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आशा करते हैं कि इसका यह टैलेंट पूरा विश्व देखे और इसको सपोर्ट करे और यहाँ अपने भविष्य में और आगे ऐसी कलाकारी दिखाते रहें। और आगे क्या करना चाहते हो? अब अगर इस मशीन पे हम आगे बढ़ जाए तो इस मशीन को थोड़ा और अच्छा से बनाने के को प्रयास करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, बैटरी और? बैटरी, मोटर और पाइप और स्विच और वायर और ब्लेड। ये कितना टाइम में तैयार हो सकते हैं मशीन? 3, अगर इस यंत्र का पूरा सामान रहेगा तो 2 दिन के अंदर में यह यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, यंत्र बनाने में जो हमें सामान की आवश्यकता पड़ी है उसका नाम हम आपको बताते हैं। ये है ब्लेड जिसे मोटर घूमता है, ये है मोटर, और ये है पीवीसी पाइप जो हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ा है, और ये है ऑन ऑफ का स्विच। और इसको ऑन करने पर यहाँ पे से स्टार्ट होगा, इसको ऑफ करने के बावजूद भी इसको दबाने पर कोई काम नहीं करेगा, यहाँ से ऑन करेंगे उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर है बैटरी, जो ये बैग है और ये बैग के अंदर में बैटरी है जी। और यहाँ से इस क्लिप को हम लोग लगाते हैं तो फिर ये यहाँ से करंट पहुँचता है बैटरी के तार से, तो यहाँ से फिर स्विच ऑन करके उसके बाद ऐसे जब इसको चलाते हैं तो ये ऐसा घूमने लगता है। उसके बाद इसको हम यहाँ से स्विच को बंद करते हैं, उसके बाद यह नहीं चलेगा। तो कारण फसल तैयार नहीं हुआ है, इसलिए हम
घास काट के आपको दिखाते हैं।